हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज आप लोग ना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। हमारा सेंटेंस टॉपिक पिछले वीडियो में खत्म हो चुकी है। चलिए, तो आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें वन बाय वन करके मैं एक एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोग के लिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, इसके कितने होते हैं? एट होते हैं, ठीक है। इसके एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। देखिए, पहला क्या है? नाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। इसका अगर इसको नाउन को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नेमिंग वर्ड, ठीक है। इसमें नेमिंग वर्ड यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं एनिमल्स थिंग्स प्लेस, ठीक है, प्लेस, पर्सन। तो ये सारे वर्ड इसमें आते हैं, नेमिंग वर्ड। इसको नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। कुछ नाम वाले वर्ड को नेमिंग वर्ड कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। नाउन के रिप्लेस को, यानी कि प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। नाउन का जो रिप्लेस होता है, नाउन को हटाकर जो हम उसकी जगह ही सी इट वगैरह लगाते हैं, वो हो जाता है प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब है। वर्ब को क्या कहते हैं हिंदी में? क्रिया, ठीक है। क्रिया, तो क्रिया का मतलब है एक्शन या स्टेट ऑफ बींग, ठीक है। स्टेट ऑफ बींग तो मतलब किसी होने के स्टेट को बताता है, या एक्शन को जो कोई काम कर रहा होता है उसको बताता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, है ना, नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। देखिए, क्रिया की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और खुद अन्य एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है। देखिए, मॉडिफाइज जो करता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव यानी बोलते हैं विशेषण, हिंदी में कहते हैं विशेषण। मॉडिफाइज करता है नाउन को और प्रोनाउन को, यानी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन आपका। प्रीपोजिशन है ना, प्री यानी कि पहले, पोजिशन यानी कि अपना स्थान, तो यानी कि पहले स्थान जो लगा देते हैं ना, प्री मतलब स्थान लगा देते हैं अपना, संबंध बोधक। ये रिलेशन का काम करते हैं, संबंध का काम करते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको संबंध बोधक। ये सोच करता है रिलेशनशिप को, क्या सोच करता है? रिलेशनशिप को। देखिए, नेक्स्ट आपका है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन है मतलब होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय यानी कि जो कंजक्ट करता है ना, जो कलेक्ट करता है, जो मतलब सॉरी मतलब दोनों को जोड़ने का काम करता है ना, जिसे लिखा है ना ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरजेक्शन, ये लास्ट हमारा इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। इसकी याद रखिएगा, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, या बोल सकते हैं विस्मयादि चिन्ह रहता है, ठीक है, विस्मयादि चिन्ह रहता है इसमें, ऐसा चिन्ह रहता है, तो इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। देखिए, एक्सप्रेसिव वर्ड, एक्सप्रेसिव वर्ड जो एक्सप्रेस करता है वर्ड को, ठीक है, जो क्या करता है वर्ड को एक्सप्रेस करता है यानी व्यक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग इस पर डिटेल वीडियो में आप लोग लाऊंगी। फिलहाल अभी हम लोग नाउन को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखिए, नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि इसके एग्जांपल देखा जाए तो रोहन, मुंबई, टेबल, डॉग एक्सेट्रा। डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी हिंदी में देखिए तो किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर या किसी वस्तु के नाम का संज्ञा, नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। या नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, इसके काइंड्स पर हम लोग मूव करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। फिलहाल एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, राम, दिल्ली, लायन, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। राम हो गया आपका व्यक्ति यानी पर्सन में, है ना, प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये। उसी तरह ये हो जाएगा आपका दिल्ली, प्लेस वाला हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लायन, है ना, लायन हो जाएगा आपका एनिमल वाला, और पेन क्या हो जाएगा? थिंग्स वाला, ठीक है। तो ये सारे जो है नाउन के एग्जाम्पल हैं। चलिए, काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा जो होते हैं मेनली पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेनली कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके हम लिख दिए हैं एक्स्ट्रा में, फिलहाल पाँच ही होते हैं इसमें, लेकिन एक्स्ट्रा में मैंने लिख दिया कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन है ना, जो बहुत ही मतलब स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है, पार्टिकुलर होता है, ठीक है। कॉमन जो जातिवाचक को बताता है, ठीक है। मटेरियल जो पदार्थवाचक को बताता है, और कलेक्टिव जो समूहवाचक को बताता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग को पता है ना, जो फीलिंग्स को बताता है, जो भाववाचक को बताता है, ठीक है। चलिए, और कॉन्क्रीट नाउन को देखते हैं, ये होता है ठोस नाउन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं ठोस संज्ञा। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा एक और है इसमें, हम लोग इस पर भी डिटेल में समझेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। देखिए, कॉन्क्रीट नाउन समझिए, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जेरंड और इन्फिनिटिव, एक्ट एज ए नाउन, ये भी एक्ट एज ए नाउन मतलब नाउन की तरह जो एक्ट करता है। चलिए, तो ये हो जाएगा। एक एक करके हम लोग काइंड्स पर मूव करते हैं।
चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए एग्जांपल, रामू इज़ अ पुअर मैन। रामू इज़ अ पुअर मैन विशेष है ना, स्पेसिफिक है ये, यानी बोल सकते हैं ये पार्टिकुलर को बता रहा है कि राम एक क्या है, पुअर मैन है, गरीब आदमी है। रवि वेंट टू लखनऊ, रवि कहाँ गया, लखनऊ गया है, तो रवि को स्पेशली बता रहा है, रवि के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। होंडा, मारुति एंड टाटा एग्जाम्पल ऑफ कार, एग्जाम्पल ऑफ कार, और कार ये आपका कॉमन है। ठीक है, कार आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, और होंडा मारुति और टाटा जो हो जाएगा ये इसके अंतर्गत आते हैं, ये किसी विशेष कंपनी का नाम बता रहा है ये, इसलिए ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर नाम बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ये हो जाएगा होंडा मारुति एंड टाटा प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हैरी पॉटर इज़ माय फेवरेट मूवी। देखिए हैरी पॉटर के बारे में बता रहा है कि हैरी पॉटर मेरा सबसे अच्छा मूवी है, अच्छा फिल्म है, तो हैरी पॉटर जो है वो क्या है आपका पार्टिकुलर बता रहा है ना, पार्टिकुलर किसके बारे में बता रहा है, स्पेसिफिक बता रहा है इसमें कि हाँ ये जो है ये हमारी फेवरेट मूवी है। ठीक है, मेरी फेवरेट मूवी है, तो हैरी पॉटर के बारे में बता रहा है, तो हैरी पॉटर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्या है प्रॉपर नाउन। देखिए चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन हिंदी में कहे तो जातिवाचक संज्ञा। देखिए डेफिनेशन, क्लास ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, व्यक्ति जगह और वस्तु के समूह को, क्लास मतलब समूह। ठीक है, व्यक्ति जगह और समूह के, सॉरी और वस्तु के समूह को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। एक और देखते हैं इंग्लिश में, नेम्स गिवन इज कॉमन टू पीपल प्लेस और थिंग। ठीक है, पीपल प्लेस और थिंग, थिंग्स। देखिए जो दिया गया नाम हो जाति, मतलब जाति को है ना, जैसे लोगों की जाति, समूहों की, ये जगहों की जाति को है ना, जगहों के बारे में या थिंग्स यानी कि वस्तुओं को, ठीक है, इसका एक जाति में बताएं तो उसे क्या कहेंगे हम, इसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मैन एग्जाम्पल देखते हैं, मैन, वोमैन, लॉयर, थीव, डॉग, कार, टीचर, लव। ठीक है, डॉक्टर भी लिख सकते हो। देखिए तो मैन हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ये सारे मैन हो जाएंगे। ठीक है, वोमेन सारे हो जाएंगे, लॉयर कोई भी हो सकता है, टीचर सॉरी लॉयर गर्ल, गर्ल बॉय, मैन वोमेन कोई भी हो सकता है, थीफ चोर कोई भी हो सकता है ना, डॉग कार, उसी तरह टीचर, लव। ठीक है, नेक्स्ट, लखनऊ इज़ द बिग सिटी, लखनऊ इज़ द बिग सिटी। ठीक है, लखनऊ जो है सबसे बड़ा सिटी है, तो लखनऊ क्या है मेन बता रहा है इसमें। ठीक है, लखनऊ जो है बिग सिटी है, तो बड़े शहर की लखनऊ, बड़े शहर में जो है लखनऊ वो बिग सिटी है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, एक लखनऊ नहीं है, मतलब लखनऊ के सारे जो है ना, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए मटेरियल नाउन की तरफ मूव ऑन करते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक। ठीक है, पदार्थवाचक कहते हैं। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल या सब्सटेंस। ठीक है, या सब्सटेंस ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनती है। मटेरियल का मतलब होता है दूसरी वस्तु जिसे बनती है। ठीक है, देखिए एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, वुड, स्टोन, मिल्क। मिल्क से बहुत सारी चीज़ बनती है ना, स्टोन से भी बनती है, वुड से भी बहुत सारी, पलंग, कुर्सी, टेबल, ये सारी बनती है, ग्लास से भी बहुत सारी चीज़ बनती है, सिल्वर से भी, गोल्ड से भी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दिए है इसका, सेंटेंस देखिए, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क है, मिल्क से क्या बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह दूध से दही, घी, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। दिस हाउस इज़ मेड ऑफ अ स्टोन, तो स्टोन से क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, यह घर जो है स्टोन से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, ये दोनों क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन हो गया, अब हमारा अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इसका हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समूहवाचक या बोल सकते हैं समुदायवाचक संज्ञा। देखिए इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, यह डिनोट करता है इन किसी इंडिविजुअल के ग्रुप्स को यानी समूह को। ठीक है, या बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के, प्लेस के, थिंग्स के, इसके समूह को बताता है, इसके ग्रुप्स को बताता है, क्या कहते हैं व्यक्ति, ये कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, पीपल, टीम, स्टूडेंट, आर्मी, क्लास, बैच, क्राउड और बंच एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो पीपल हो गए, एक जुट हो गए, एक ग्रुप हो गए, टीम हो गए, ग्रुप हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ग्रुप हो गए, ये सारे क्या हो गए,
ग्रुप्स में आ गए। देखिए एग्जांपल, आई हैव अ बंच ऑफ 10 कीज, 10 चाबियों का गुच्छा मेरे पास है, मेरे पास 10 चाबियों का गुच्छा है, ठीक है। तो ये बंच हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। हॉकी टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, हॉकी टीम कितने प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, तो ये टीम क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। देर आर 50 बॉयज़ इन आवर क्लास, हमारे क्लास में 15 लड़के हैं, तो ये भी जो है आपका ये क्लास जो है क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, नो फिजिकल एक्जिस्टेंस, ठीक है। इसमें भाव को मूव, भाव के बारे में बताता है। थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच, थिंग्स जो कि आप छू नहीं सकते, वैसे चीज़ जो आप छू नहीं सकते। यू वी कांट सी टच हियर स्मेल और टेस्ट, और हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस नाउन जो नाउन आएंगे, ठीक है। देखिए डजंट एग्जिस्ट एज मटेरियल नाउन, इसका मतलब होता है मटेरियल नाउन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें मटेरियल नाउन होता है ना, सॉलिड मटेरियल होता है ना, उसमें सॉलिड पदार्थ होता है, लेकिन इसमें जो है नहीं होता है, सॉलिड मटेरियल नाउन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए गुण कार्य और अवस्था, ठीक है, गुण कार्य एग्जांपल देखते हैं, फीलिंग्स एक्सपेक्टेशन टाइम, ठीक है, फीलिंग्स को बता रहा है, ठीक है, किसी मतलब फीलिंग्स को बता रहा है, भाव को बता रहा है, एक्सपेक्टेशन उम्मीद को बता रहा है, समय को बता रहा है, हेट नफरत लव प्यार ऑनेस्टी ईमानदार, ठीक है। गुण में आ गया आपका, देखिए गुण में आ गया गुडनेस काइंडनेस ऑनेस्टी को बता रहा है, कार्य में आ गया आपका लाफ्टर हैट्रेड, अवस्था में आ गया आपका बॉयहुड स्लीप चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक के अंतर्गत थोड़ा सा नोट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो संज्ञा व क्रिया दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों में से कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन संज्ञा में अलग और क्रिया में अलग होता है, ठीक है। देखिए लव का मतलब प्यार और एक लव का मतलब प्यार करना, तो ये लव का एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इसका काम होगा, और इसका क्या काम होगा, वर्ब की तरह। जैसे कि देखिए लव इज़ लाइफ, लव एक लाइफ है, जीवन है, और इसमें होगा मैं प्यार करता हूँ, आई लव यू, है ना। तो ये क्रिया को बता रहा है और ये भाव को बता रहा है, तो ये है आपका, देख रहे लव दो शब्दों दो की तरह, इसे यहाँ बोले है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या क्रिया दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों में से कुछ शब्दों पर प्रोनाउंसिएशन संज्ञा में अलग और क्रिया में अलग होता है। देखिए प्रोनाउंसिएशन लव इज़ लाइफ और आई लव यू, है ना। चलिए और दो इसका एक दो और एग्जाम्पल है, मैं इसको और क्लियर करती हूँ। देखिए शॉप, शॉप यानी कि खरीदारी करना, है ना, और एक शॉप का मतलब होता है दुकान। देखिए तो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करेगा, और ये खरीदारी करना वर्ब की तरह, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, वेयर इज़ योर शॉप, तुम्हारा शॉप कहाँ है, दुकान कहाँ है, ठीक है। और ये हो जाएगा आई विल शॉप ऑन संडे, मैं जो है संडे को खरीदारी करूँगा, शॉप करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एड्रेस, एड्रेस को समझते हैं। एड्रेस का मतलब एक होता है पता, और दूसरा एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, ठीक है। तुम कहाँ से हो, किस जगह से हो, रिलेटेड कहाँ है तुम्हारा, है ना। देखिए एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एज अ वर्ब, एग्जांपल देखते हैं, मे आई हैव योर एड्रेस, ठीक है, क्या तुम अपना, क्या मुझे अपना पता बता सकते हो, मुझे अपना पता बता सकते हो, या मुझे अपना पता दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है दूसरा, ठीक है, वर्ब की तरह करेगा। हाउ डू आई एड्रेस यू, मैं जो हूँ तुम्हें कैसे जो है मतलब संबोधित करूँ, है ना, मतलब कैसे संबोधित करूँ, क्या तुम्हें खोजूँ, है ना, संबोधित करूँ। चलिए नेक्स्ट होता है यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन जो कि यहाँ तक आपका मेनली जो था वो फिनिश हो चुका है, एंड हो गया, ठीक है, जो मेन पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा में, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए कॉन्क्रीट नाउन यानी कि ठोस संज्ञा कहते हैं, और पिछले वीडियो मतलब पिछले हम ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाए थे उसमें बताए थे ना कि वो उसका जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, लेकिन हाँ इसीलिए मैं उसमें 6 नंबर लिख के रखी थी कि ये थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है। कॉन्क्रीट नाउन यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच, फिजिकल थिंग्स जो आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो। फाइव सेंस जानते हो ना आप लोग, फाइव सेंस तो इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए आई सी साइट नोज स्मेल ईयर हियर टंग टेस्ट स्किन टच, ठीक है, इसका सेंस होता है साइट स्मेल हियरिंग टेस्ट टच, है ना। आईज का साइट होता है दृश्य, नोज का स्मेल होता है, ईयर का हियरिंग होता है सुनने का, टंग का होता है टेस्ट, इसका सेंस होता है, स्किन का सेंस होता है टच। तो ये पार्ट्स ऑफ पार्ट्स होते हैं, ये या बोल सकते हैं ऑर्गेन्स होते हैं, और ये होते हैं जो करते हैं, है ना, जो भी करते हैं, और ये होते हैं सेंस, ठीक है। देखिए एग्जांपल समझते हैं,
एग्जाम्पल राम मैन शुगर कार कार फर्नीचर कैट कैट कार फर्नीचर मार्कर बोर्ड एक्सेट्रा ये सारे वर्ड किस में आएंगे जो कि कंक्रीट नाउन हो जाएंगे ठीक है कंक्रीट नाउन जो कि ये सारे सेंस जो आ जाएंगे है ना देखिए कार क्या है देख सकते हैं उसे हम लोग फर्नीचर क्या है उसे भी देख सकते हैं हम लोग ठीक है मैन क्या है उसे मैन को स्मेल कर सकता है ना या स्मेल कर सकता है हियरिंग कर सकता है ये मार्कर ये क्या है देख सकते हैं इसे भी हम लोग तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रहे हैं पार्ट्स ऑर्गेन आएंगे है ना तो ये हो जाएंगे आपके चलिए काउंटेबल नाउन जो कि आप जानते हैं गिनती की जा सकती है और अनकाउंटेबल नाउन यानी गिनती नहीं की जा सकती है देखिए द नाउन विच यू कैन टच काउंट द नाउन विच यू कैन काउंट जो ऐसे नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं जिसे आप काउंट कर सकते हो जैसे मैन एनिमल चेयर कप कॉइन ग्लास बिल्डिंग कार एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे तो ये सारे जो वर्ड है वो काउंट किए जा सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते ठीक है गिनती नहीं की जा सकता तो द नाउन विच यू कैनोट काउंट ठीक है मिल्क काउंट नहीं हो सकता वाटर काउंट नहीं हो सकता गोल्ड एयर शुगर सॉल्ट ठीक है मनी ये हो जाएगा आपका मनी हैप्पीनेस ये सारी चीज़ जो है वो काउंट नहीं होते हैं ठीक है ठीके? और इसे क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन फिलहाल चलिए आप लोगों को इस छोटा सा ये नाउन का जो है समझ में आ गया होगा ठीक है बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो नाउन का चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोनाउन लेकर आऊँगी आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू